नमस्कार, मैं हूं जुम्मन खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। लापता व्यापारी का मिला शव, आत्महत्या के लिए दुष्कृत करने के आरोपी एक जना गिरफ्तार। जिला स्थापना दिवस पर दौड़े एसडीएम और कमिश्नर, कई कार्यक्रम होंगे। किसानों को मिलता नहीं पाकिस्तान जा रहा है पानी, कल हुए किसान। गोदों की मौत पर भड़के रोड़ा वाली के लोग, पोस्टमार्टम के बाद दफनाए। और समाचार विस्तार से, जंक्शन से लापता व्यापारी पवन मोहता का शव मिल गया है। इंदिरा गांधी नहर से उनका शव बरामद किया गया। खबर मिलते ही शहर के लोग संताप से घिर गए। हर किसी की आंखें नम थी और वे पवन मोहता के स्वभाव के कायल नजर आए। नागरिकों में इस बात को लेकर गुस्सा था कि जिन लोगों ने मोहता को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया, पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई है। हालांकि पुलिस ने तीन में से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। हनुमानगढ़ टाउन स्थित राजकीय जिला अस्पताल के मॉर्चरी रूम में रखा था व्यापारी पवन मोहता का शव। ब्लड बैंक और पीएमओ दफ्तर के पास दरी पर बैठे थे शहर के लोग। हर किसी के दिल में गुस्सा था, आंखें हो रही थी नम, हो भी क्यों ना। पवन मोहता का स्वभाव ही कुछ ऐसा था। अपने जिंदा दिली और आकर्षक व्यक्तित्व के कारण उन्होंने सबका दिल जीत लिया था। व्यापारी हूँ या मजदूर अथवा कोई और, हर कोई पवन मोहता की मौत की खबर सुनकर सकते में था। परिणाम यह था कि सैकड़ों लोग अस्पताल परिसर में एकत्र हो गए। वे हर हाल में उन लोगों की गिरफ्तारी चाहते थे जिन्होंने फोन पर परेशान कर मोहता को मरने के लिए मजबूर किया। हमारी पहली मांग ये है कि गिरफ्तार करो जिन्हों का वो नाम लिख के गया है और जिन्होंने वो टेलीफोन पे उनको धमकाया है। उससे पहले हम कोई मांग मानने वाले नहीं है। हम प्रशासन और पुलिस को कतई ये मौका नहीं दे कि आपका या आपकी लड़ाई ऊपर हो गई, इसलिए हम बेबस हो गए। हमें बड़ी शांतिपूर्वक और धैर्य तरीके, हमारा जो साथी हमारे बीच से चला गया, इसके बड़ी हमें और पीड़ा हो नहीं सकती। ये किसी व्यक्ति विशेष और परिवार विशेष की पीड़ा नहीं, ये इस इलाके के उस व्यक्ति की, जो बहुत ही अच्छा और सचल व्यक्ति था, और हमारे बीच से समाज के उन लोगों के जो अपने आचरण से और उसे प्रताड़ित करके इसने मरने पे विवश किया, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की वाजिब बात और वाजिब मांग। पूर्व पार्षद और शहर के नामचीन व्यापारी कोर सिंह खोसा ने पूरे प्रकरण में न सिर्फ पुलिस को घेरा बल्कि आरोपियों को राजनीतिक रूप से शह मिलने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि पुलिस आरोपियों को पकड़ने से घबरा रही है। हमारे शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी पवन जी मोहता कल से गायब थे और पुलिस वालों को बार बार इतला देने में, अगर मौके पे उनको संभाला जाता हो सकता वो बच सकते थे, लेकिन प्रभावशाली चलो जो भी हुआ घटना में उन्होंने आत्महत्या की, लेटर दे दिया। अब पुलिस वालों को कहा सुबह से जैसे उनको गिरफ्तार किया तो दो आदमियों को वो छोड़ के आ गए वहाँ। वो जरूर प्रभावशाली वहाँ के नेता हैं, वो उनकी मदद कर रहे हैं। हमारी मांग ये है कि उन आदमियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा इस हॉस्पिटल के प्रांगण से हम लोग हटेंगे नहीं। सुसाइड नोट भी मिला है क्या? सुसाइड नोट भी मिला है और जो कि एफआईआर की कॉपी के साथ संलग्न कर दिया गया है। कोई अधिकारियों का आश्वासन है क्या आपको? अधिकारियों ने भी कोई आश्वासन नहीं दिया, अधिकारी अभी आ रहे हैं। हमारी मांग ये है कि वो रिटर्न में हमें दें कि मुलजिम कब तक गिरफ्तार होंगे, तब पब्लिक को समझा सकता, क्योंकि पहले भी एक बार पब्लिक धोखा खा चुकी है। दरअसल पवन मोहता हनुमानगढ़ जंक्शन के बेहद संजीदा व्यापारी थे। उनके भांजे महेश की अपनी पत्नी के साथ अनबन है। सूरतगढ़ के पत्रकार शिव सारडा, शंकर मुंद्रा और बिजेंद्र शास्त्री उनसे धन ऐंठने के फिराक में हैं। उनका कहना है कि उसी ने महेश की शादी करवाई, इसलिए वही उसका निपटारा करवाएं। वे बार बार पवन मोहता को फोन पर धमकाते रहते, इससे सीधे सीधे और सरल इंसान पवन मोहता जैसे टूट गए। उन्होंने संभवतः इंदिरा गांधी नहर में कूद कर आत्महत्या कर ली। पुलिस को नहर के पास मोहता की कार मिली जहां सुसाइड नोट भी था, जिसमें तीनों आरोपियों को मौत के लिए जिम्मेदार बताया गया। पवन के भाई पुरुषोत्तम मोहता ने पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज करवाते वक्त सुसाइड नोट भी संलग्न कर दिया। अस्पताल पहुंचे डीएसपी चंद्रेश गुप्ता, डीएसपी नरेंद्र गोदारा, जंक्शन थाना प्रभारी संजय बोथरा और टाउन थाना प्रभारी आशू सिंह ने नागरिकों को समझाया, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। डीएसपी नरेंद्र गोदारा ने कहा कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें लगी हुई हैं।
शीघ्र पुलिस उन्हें भी गिरफ्तार कर लेगी। 8 और 9 की मध्य रात्रि में पुरुषोत्तम मोहता ने रात को 2 बजे थाना जंक्शन पे ये रिपोर्ट दी थी कि उसका भाई करीब 9:30 बजे घर से निकल गया है, जिसका नाम पवन कुमार मोहता है और उसका फ़ोन बंद आ रहा है, नॉट रीचेबल बोल रहा है, उसका पता किया जाए, जिसके ऊपर तलाश शुरू की गई। वो जो कार लेके गया था वो कार लखुवाड़ी हेड के ऊपर थाना टाउन के इलाके में मिली, जहाँ उसके द्वारा पवन कुमार के द्वारा लिखा गया सुसाइड नोट मिला, जिसमें 3 व्यक्तियों के नाम थे, तो उसके द्वारा आत्महत्या करना लिखा गया, जिसपे उसकी तलाश नहर के अंदर कराई गई, जो इस पिछली रात को डेड बॉडी मिल चुकी है। इस संबंध में उनके परिजनों की तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया है 306 IPC में, जिनमें से एक आरोपी विजेंद्र शास्त्री को हिरासत में लिया गया है, अन्य जो भी आरोपी उसमें बताए गए हैं FIR में और बैंक में जो इसका नोट है उसके अंदर, उनके हमारी टीमें लगी हुई हैं, गिरफ्तारी के तुरंत प्रयास कर रहे हैं। जिला स्थापना दिवस के मौके पर न सिर्फ पुलिस या होमगार्ड के जवान दौड़े, बल्कि SDM करतार सिंह पूनिया और नगर परिषद के कमिश्नर शरण बिश्नोई भी खूब दौड़े। मैराथन में कई खिलाड़ियों ने भी भाग लिया। 12 जुलाई को मनाया जाएगा जिला स्थापना दिवस। इसी उपलक्ष्य में 4 दिवसीय कार्यक्रमों की कड़ी में आज हुई मैराथन दौड़। इसमें पुलिस के जवान और होमगार्ड के स्वयंसेवकों ने तो भाग लिया ही, साथ ही राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और हनुमानगढ़ के SDM करतार सिंह पूनिया ने भी खूब दौड़ लगाई। अफसरों को दौड़ते देख नगर परिषद के कमिश्नर भी पीछे हो गए। होमगार्ड के जवान विजय शर्मा हो या फिर नगर परिषद के सहायक अभियंता सुभाष बंसल, सभी उत्साहित होकर दौड़ में शामिल हुए। हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर जिले के किसान एक बार फिर गुस्से में हैं। कारण वही पुराना, पानी और सिर्फ पानी। किसानों का कहना है कि जब हमारे हिस्से का पानी पाकिस्तान जा रहा है तो फिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है। जाट धर्मशाला में किसान सभा की हुई बैठक, जिला महासचिव प्रोफेसर ओम जांगू, तहसील अध्यक्ष बलराम मक्कासर, ब्रिजलाल भादू आदि ने कहा कि किसानों की चिंता किसी को नहीं। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के तकनीकी विशेषज्ञ बांध खाली करने की सिफारिश कर रहे हैं। पानी ज्यादा है, खुलेआम पाकिस्तान जा रहा है, लेकिन हनुमानगढ़ श्री गंगानगर के किसानों को नरमा और ग्वार की बिजाई के लिए समुचित पानी नहीं मिल रहा। आखिर इसके लिए कौन है जिम्मेदार। राजस्थान के हिस्से का पानी, डैम का पानी पूरा का पूरा आज की तारीख में पाकिस्तान जा रहा है। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के तकनीकी परिषद ने यह सलाह दी है कि डैम भर चुके हैं, बांधों में जल स्तर है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए अगस्त की बजाय अभी इन बांधों को खाली किया जाए। और हमारा जो सिंचाई विभाग है राजस्थान का, उसकी नीयत ये है कि यहाँ की नहरें 1 हफ्ता चले और 1 हफ्ता बंद रहे, इससे ज्यादा पानी किसानों को न दिया जाए। हम इस बात को लेके उस दिन जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करेंगे कि इस क्षेत्र की नहरों को 2 सप्ताह लगातार चलाकर किसानों को पानी दिया जावे। ये हमारी मुख्य मांगे हैं कि फसल का बीमा क्लेम दिया जावे, प्रत्येक किसान को 1.5 लाख रुपए बिना ब्याज ऋण दिया जावे और नहरों को 2 सप्ताह चलाया जाए। मौसमी बीमा का लाभ किसानों को नहीं मिलने पर किसान नेता ने कहा कि इसके लिए सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं और वे इस संबंध में 15 जुलाई को कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे। इस क्षेत्र के किसान की मांग है कि फसल मौसम के आधार पर जो बीमा किया जा रहा है, मौसमी बीमा, उसमें इस वर्ष मौसम में गड़बड़ की वजह से किसानों को गेहूं, सरसों, चना, जो में नुकसान हुआ है, बीमा का क्लेम दिया जावे। दूसरी, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणा की चुनावी फायदा उठाने के लिए कि प्रत्येक किसान को क्रय विक्रय सहकारी समितियां, ग्राम सेवा सहकारी समितियां 1.5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज देगी, जबकि हनुमानगढ़ जिले में नाम मात्र लोगों को 1 लाख रुपए तक उधार दिए गए हैं, वो भी वो लोग हैं जो व्यवस्थापक के या ग्राम सेवा सहकारी समिति के नजदीकी हैं, बाकी के किसान उससे वंचित हैं। हमारी इस धरने में ये मांग है कि प्रत्येक किसान को 1.5 लाख रुपए दिए जाए। किसानों को राजनीतिक मतभेद भुलाकर एकजुट रहने की नसीहत देते हुए किसान नेताओं ने कहा कि चुनाव में भले सब अपने दलों की तरफ आकर्षित हो, लेकिन 15 जुलाई को भी कलेक्ट्रेट जरूर पहुँचे।
सभा ने तमाम किसानों से यह अनुरोध किया है कि आप राजनीतिक मतभेद भुला दीजिए, अक्टूबर और नवंबर में आपको जिसके साथ जाना है आप जाइए, परंतु एक बार 2 सप्ताह नैर 1.5 लाख रुपए बिना ब्याज ऋण और फसल बीमा क्लेम के लिए आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में 15 जुलाई को कलेक्ट्रेट पे पहुंचिए। हम जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ को आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि उस दिन तमाम इन अधिकारियों को बुला के किसानों की समस्याओं को समाधान करवाएं, नहीं तो पूरे जिले के अंदर आंदोलन आग का रूप लेगा। राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर बेडी कल्ला एक दिवसीय दौरे पर नोहर पहुंचे। उन्होंने पचीसिया परिवार की ओर से आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में भाग लिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर बीडी कल्ला बेहद धार्मिक विचारों के हैं। धार्मिक आयोजनों में शामिल होने का कोई मौका वे नहीं छोड़ते। यही वजह है कि नोहर स्थित पचीसिया परिवार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने वे खास तौर पर नोहर पहुंचे। उन्होंने भगवान सत्यनारायण और देवी लक्ष्मी की मूर्ति स्थापना समारोह में भाग लिया, पूजा अर्चना की। अब राजनेता है तो फिर सियासत की बात के बगैर कैसे रह सकते हैं? पत्रकारों ने जब सवालों की बौछार की तो उन्होंने कहा कि वित्त आयोग स्वायत्तशासी संस्थाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयासरत है, इसके लिए पहले से अधिक आर्थिक सहयोग किया जा रहा है। इससे पहले भी मेरी फर्स्ट इंप्लीमेंटमेंट भी दी थी हमने, उसमें भी हमने करीब करीब 30% राशि बढ़ा के दी थी। ये तो चुनाव आयोग की तरह आप जानते हैं, वित्त आयोग स्वतंत्र है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो रिकमेंडेशन करती है सरकार उसकी अभिशंसाओं को मानती है, हमारे लिए गौरव की बात है। वर्तमान राज्य सरकार ने हमारी अभिशंसाओं को मानकर और पंचायती राज संस्थाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है। इसके अलावा हम लोगों ने अपनी रिपोर्ट में ये रिकमेंडेशंस भेजी थी कि जहाँ जिस पंचायत में खनन कार्य हो रहा है उसका 3% पंचायत को दिया जाए। राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर बीडी कल्ला ने कहा कि आयोग संवैधानिक संस्था है, सरकार आयोग की सिफारिशों को मानती है, यह आयोग के लिए गौरव की बात है। रिपोर्ट जो भी है उस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011-12 में जो राशि प्रत्येक पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और नगर परिषद और नगर निगमों को मिलती थी उससे जस्ट डबल राशि हमने दी है। पहले 3% राज्य की विशुद्ध आय का इनको डिवोल्यूशन के रूप में मिलता था, अब 5% डिवोल्यूशन मिलेगा और चूंकि स्टेट की इनकम बढ़ गई है तो ये करीब करीब दुगुना होगा। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। आप अपने करियर को लेकर चिंतित हैं और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो अब आप चिंता न करें और संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से। श्री गोपीराम सराफ सेवा ट्रस्ट चेन्नई द्वारा संचालित इस संस्था में बीटेक और पोल टेक्निकल डिप्लोमा के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिसमें बीटेक में सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। इसके अलावा महाविद्यालय में आधुनिक कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, इंडोर आउटडोर खेल सुविधा, लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास सुविधा, कैंटीन सुविधा, विशाल खेल के मैदान आदि सुविधाएं हैं। तो संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, टीबी रोड एक्सटेंशन, गुरसर रोड, हनुमानगढ़ टाउन। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ प्लान फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे MSc, MA, BCA, BBA, BSc, BCom, BA। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं बीबीए की स्टूडेंट हूँ। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई। सिमरनजीत कौर, फर्स्ट ईयर आई स्कोर 80% मार्क्स एंड फॉर दिस आई वुड लाइक टू थैंक फॉर बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज। द एनवायरमेंट ऑफ दिस कॉलेज इज़ वेरी लर्निंग एंड आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ ड्यूरिंग दिस 2 ईयर्स। कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए
समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच एलईडी एलसीडी टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सैमसंग, कैल्विनेटर, इलेक्ट्रोलेक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैंस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर एलईडी एलसीडी टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल, बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड, हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो एसी, एलसीडियाँ और वॉशिंग मशीनें, माइक्रोवन, होम अप्लाइज जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। और आपको जेंट्स वियर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्रीराम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। गांव रोड़ावाली में 3 गोदों की संदिग्ध मौत से पशु प्रेमियों में रोष व्याप्त हो गया। उन्होंने पुलिस को सूचना दी, बाद में उनका पोस्टमार्टम करवाया गया। गांव में लोगों ने देखा कि आसपास ही 3 गोधे मृत पड़े हैं। उन्होंने इसकी सूचना तहसीलदार सुरेंद्र जाखड़ और सदर पुलिस को दी। ग्रामीणों का कहना था कि अज्ञात व्यक्तियों ने जहरीला पदार्थ खिलाकर निराश्रित पशुओं की जान ली है। सूचना पाकर पहुंचे अधिकारियों ने उन्हें शांत किया, बाद में उनका पोस्टमार्टम करवाया गया और शव को दफनाया गया। डिग्री एक जैसी, मूल वेतन भी एक समान, लेकिन पदोन्नति को लेकर अलग अलग है नीतियाँ। पशु चिकित्सकों की यही है परेशानी, लिहाजा उन्होंने डेंटिस्ट के समकक्ष सुविधाएं देने की मांग को लेकर हड़ताल रखी है। जिले भर में पशु चिकित्सक आज हड़ताल पर रहे, इससे पशु चिकित्सालयों के खूंटे खाली नजर आए। बाहों पर काली पट्टी बांधे चिकित्सकों ने कोई काम नहीं किया सिवाय नारेबाजी के। उन्होंने राजकीय जिला पशु चिकित्सालय में अपनी एकता के नारे बुलंद किए। राजस्थान पशु चिकित्सक एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र कुमार दानिवा, उपाध्यक्ष डॉ. विजेंद्र देशवाल, सचिव डॉ. प्रेम ढींगड़ा और कोषाध्यक्ष डॉ. सुधीर नारंग आदि ने कहा कि पशु चिकित्सक 2 दशकों से वेतनमान और पदोन्नति में विसंगतियों को लेकर त्रस्त हैं। उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, ऐसे में अब उनके सामने आंदोलन के अलावा कोई चारा नहीं है। राजस्थान सरकार के द्वारा पशु चिकित्सकों के साथ जो अन्याय किया जा रहा है समयबद्ध पदोन्नति व वेतनमान के संबंध में, उसके विरोध में पूरे राजस्थान के पशु चिकित्सक आज सामूहिक अवकाश पर हैं और 15 तारीख से जयपुर में कार्मिक अनशन आरम्भ होगा। उसके बाद 22 तारीख को जयपुर में महारैली का आयोजन होगा। जहाँ तक हमारी मांगों का प्रश्न है तो हमारी मांग ये है कि जो मेडिकल डॉक्टर्स को दिया जा रहा है वही वेतनमान और पदोन्नतियाँ हमें भी दी जाएं, क्योंकि हमारा जो कोर्स है उसकी अवधि, उसका स्ट्रक्चर एक समान है, तो हम किसी भी लिहाज से मेडिकल डॉक्टर से कम नहीं है। लेकिन राजस्थान सरकार जो भेदभाव कर रही है उसके हम खिलाफ हैं और उसी क्रम में आज हम सभी सामूहिक अवकाश पर हैं। बाद में चिकित्सकों ने एडीएम बीएल महेड़ा को भी ज्ञापन दिया।
एडीएम ने कहा कि उनकी भावना से राज्य सरकार को अवगत करवाया जाएगा। हम सब वेटनरी डॉक्टर्स हैं और हमारे वेतन मान में विसंगति है, उसके हिसाब से हम उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। मेडिकल डॉक्टर और हमारे में एंट्रेंस लेवल से लेकर डिग्री तक सब कुछ समान है, उसके बावजूद और हमारे बेसिक दोनों के समान है, उसके बावजूद जो प्रमोशन पोस्ट हैं उन पे उनको वेतनमान हमसे अधिक दिया गया है। उनको 6 साल के बाद दूसरा वेतन वृद्धि, फिर 12 साल के बाद, फिर 18 साल के बाद वेतन वृद्धि दे दी, हमें 10 साल 20 साल और 30 साल की दी हुई है। इसके अलावा हम उनसे अधिक विषम परिस्थितियों में काम करते हैं, वो तो ऑफिस में बैठ के हॉस्पिटल में बैठ के काम करते हैं, जब मरीज चल के उनके पास आता है, जबकि हम खुद चल के मरीज के पास जाते हैं, आंधी बारिश लू में सब जगह हमें जाके किसान के घर पे जाके काम करना पड़ता है। किसान के जो एनिमल्स है वो रिस्क फैक्टर हमारे साथ है, कभी कोई काट सकता है, कोई लात मारता है, कोई कुछ कर देता है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और नगर परिषद के सभापति सुरेंद्र कौर के पति जसपाल सिंह का प्रयास रंग लाने लगा है। बहुत जल्दी ही शहर और आसपास के लोगों को हड्डा रोड़ी की समस्या से निजात मिलेगी, इसके लिए उच्च स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लाख चाहने के बावजूद नगर परिषद वर्षों बाद भी हड्डा रोड़ी के लिए स्थायी जगह की व्यवस्था नहीं कर पाई। ऐसे में मृत पशुओं से आने वाली बदबू लोगों की प्रमुख समस्या बन गई। अच्छी खबर यह है कि नगर परिषद ने इस समस्या का तोड़ निकाल लिया है। इसकी पहल की है भाजपा के वरिष्ठ नेता जसपाल सिंह ने। जसपाल सिंह ने अपने राजनीतिक रसूख के दम पर केंद्र सरकार से 3 करोड़ रुपए की मंजूरी ली और खुद नगर परिषद से 1 करोड़ की व्यवस्था कर शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लाखों लोगों को हड्डा रोड़ी की समस्या से मुक्ति दिलाने का फैसला किया है। टाउन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए जसपाल सिंह ने कहा कि ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे मृत पशु को पल भर में जलाया जा सके और हड्डियों की राख को बेचकर नगर परिषद की आय भी बढ़ाई जा सके। 4 करोड़ का, जिसमें 1 करोड़ रुपया नगर पालिका का हिस्सा होगा और 3 करोड़ रुपया केंद्र सरकार का होगा। जो मृत पशुओं की समस्या है उसकी अभी DPR बन रही है, उसमें मृत पशु अंदर जाएगा, जाते ही उसके खाल उतर के ऑटोमेटिक मशीनों से अलग हो जाएगी और जो उसके पीस में हड्डियां वगैरह जो बची हैं उनको फर्नेस भट्टी होगी, उसमें जल के जो राख है वो बहुत काम आती है, इसमें जैसे आग बुझाने की पोम वगैरह और भी बहुत से बायो प्रोडक्ट हैं उसके, तो उसको भी एक्सपोर्ट भी होता है, वो उस हड्डियों का जो जली हुई हड्डियाँ हैं उनका उनको भी वहाँ से कलेक्ट करके बेचने का काम भी होगा, नगर परिषद को आय भी होगी और जो अपने सारे इलाके में हनुमानगढ़ में गाँवों में रोज हड्डा रोड़ी की समस्या है, झगड़ा होता है। शहर में अब 5 जगह हमने हड्डा रोड़ी शिफ्ट कर दी, जहाँ शिफ्ट करते हैं वहीं से विरोध की आवाज़ उठती है। अभी सॉलिड वेस्ट के पीछे बनाया तो बिश्नोई समाज ने इतराज कर दिया कि वहाँ अगर वह कुत्ते रहेंगे मांसाहारी तो वो हमारे जो दफन होते हैं बुजुर्ग उनको खोद के निकाल लेंगे, या उनकी जो भी है वो बात बिल्कुल लॉजिक वाली है, क्योंकि कोला वाला अनुभव अपने पास है। शहर की दूसरी बड़ी समस्या है ट्रांसपोर्ट नगर की। अबोहर बाईपास रोड के निकट ट्रांसपोर्ट नगर तैयार तो हो गया, करोड़ों रुपए भी खर्च हो गए, लेकिन ट्रक ऑपरेटर शहर के लोगों के लिए परेशानी खत्म करने पर राजी नहीं हुए। नगर परिषद ने अब एक और पहल की है ताकि ट्रांसपोर्ट नगर को बसाया जा सके। इसके लिए मोटर रिपेयरिंग से संबंधित दुकानों के लिए लोगों को वहां पर रियायती दर पर भूखंड उपलब्ध करवाए जाएंगे। जो हमारा करोड़ों रुपए जंक्शन ट्रांसपोर्ट में लग गए नगर को, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा, तो उसका भी हम प्लान बना के DLP भेजेंगे मंजूरी के लिए, उनको भी रियायती दर पे दुकानें देंगे, ताकि इस शर्त पे देंगे जो आदमी विद इन 1 ईयर वहाँ जाके दुकान बना के शिफ्ट हो जाएगा उसको रियायती दर पे, और सिर्फ वहाँ पर्पज एक ही लिखेंगे उसमें बोर्ड में मीटिंग पास करके, सिवाय इससे रिलेटेड दूसरा धंधा नहीं कर सकेगा। रिपेयर का, स्पेयर पार्ट का, ट्रांसपोर्ट से संबंधित जो भी व्यवसाय है वही व्यवसाय वहाँ होगा, तो इसलिए ये जो अपने ज़्यादा भीड़ भाड़ और ज़्यादा गाड़ियाँ इधर से तो बस स्टैंड में ट्रक घुस रहा है, इधर से डाला घुस रहा है, इनको भी वहाँ जाके बसाएंगे ताकि हमारा भी पैसा शहर का लगा हुआ।
भाजपा नेता जसपाल सिंह के मुताबिक मेडिकल कॉलोनी और पुलिस कॉलोनी आदि में बारिश के पानी की निकासी नहीं होने की बड़ी समस्या थी, जिस पर काबू पा लिया गया है। पिछले दिनों हुई बारिश से लोगों को काफी राहत मिली है। पुलिस कॉलोनी, गुड़मंडी, मुखर्जी कॉलोनी, ये एरिया था जहाँ पानी की निकासी की बड़ी बारिश समस्या थी। इसको हल करवाने के लिए हमने वहाँ वो जो पुरानी गिरानी थी उसको खुदवाया, और परसों जो बरसात हुई और सबसे ज़्यादा बरसात 20 आंकड़ा बरसात, और अगर वो हमारा समाधान नहीं किया होता तो वहाँ पानी आज भी इतना खड़ा है। और हर बार नगर पालिका के धरना प्रदर्शन, लोग परेशान हुए, तीन दिन घर में गंदा पानी खड़ा रहे, क्या तो आदमी भोजन बनाएगा और क्या खाएगा। उसका समाधान वो एक घंटे के अंदर सारे पानी की निकासी हो गई और लोगों को इतनी बड़ी राहत पहुंची जिसका कोई अंदाजा नहीं है। भाजपा नेता जसपाल सिंह ने कहा कि टाउन में मेगा हाईवे से धान मंडी तक जाने के लिए रास्ता नहीं था, यह बड़ी समस्या थी। शहर के मौजूद लोगों के सहयोग से इस समस्या से भी मुक्ति मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि इसके लिए व्यापारी नौरंगलाल हिसारिया, राजकुमार हिसारिया, सुनील हिसारिया, भगवान दास स्वामी, विनोद महेंद्र बाठिया, नरेंद्र सिंह भालेरी, लखपत राय बिश्नोई, इंद्र बिश्नोई, रघुवीर सिंह राठौड़, हंसराज मदनलाल आहूजा और आदर्श एंक्लेव के देवेंद्र स्वामी ने अपनी अपनी कृषि भूमि में से बिना किसी मुआवजा और बगैर किसी शर्त के बाईपास सड़क के लिए आवश्यकता अनुसार जमीन देने पर सहमति दे दी है। इसके साथ बाईपास सड़क के लिए नक्शा तैयार कर लिया गया है, कुछ ही दिनों में सड़क निर्माण शुरू हो जाएगा। किसी मुआवजे के बिना किसी प्रकार की शर्त लगाए और ये 60 फुट का रास्ता देने का काम किया, 60 फुट छोड़ा, और इसके लिए मेला नवरात्रा है, इस पे ये बहुत बड़ी सौगात मिली है, इसके लिए बहन भाइयों का आभार। भारत विकास परिषद का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर भटनेर शाखा की ओर से सदस्यों ने रक्तदान किया। टाउन स्थित ब्लड बैंक में भारत विकास परिषद भटनेर शाखा के सदस्य रक्तदान करने पहुंचे। शाखा अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार और प्रभारी डॉक्टर पवन जैन के नेतृत्व में काफी संख्या में सदस्यों ने किया रक्तदान। सदस्यों के मुताबिक 44 यूनिट रक्तदान किया गया। उन्होंने बताया कि 9 जुलाई 1963 में भारत विकास परिषद की स्थापना हुई थी। 10 जुलाई 1963 को भारत विकास परिषद की स्थापना हुई। आज इसके स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में स्थानीय हनुमानगढ़ टाउन की भटनेर शाखा द्वारा एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें इंडिया कैन एजुकेशन सोसाइटी प्राइवेट लिमिटेड हनुमानगढ़ टाउन का विशेष सहयोग रहा, उनकी तरफ से लगभग 40 यूनिट ब्लड दिया गया। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। Thank you.
काम खाओ पियो। यह प्रसिद्ध जुमला साबित होता है राजकीय अस्पताल में काम कर रहे उन कर्मचारियों पर जो किसी न किसी एनजीओ के माध्यम से नौकरी कर रहे हैं। एनजीओ संचालकों की मनमानी से तंग आकर उन्होंने आज प्रदर्शन किया। राजकीय जिला अस्पताल हनुमानगढ़ में आरएमआरएस के माध्यम से प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा विभिन्न पदों पर काफी समय से कार्यरत हैं। अस्पताल में 3 एनजीओ एजेंसी कार्यरत हैं। तीनों के नियम जुदा हैं। कर्मचारियों की कटौती अलग अलग तरीके से की जाती है। कर्मचारियों के साथ उनकी मनमानी सहन नहीं होती, इसलिए आंदोलन के अलावा कोई चारा नहीं है। उन्होंने कहा कि एनजीओ सिस्टम को खत्म करने से ही कर्मचारियों का शोषण खत्म होगा। आज रात के जिला चिकित्सालय के अंदर जितने भी एनजीओ के माध्यम से जितने भी कर्मचारी सुविधा पे कार्यरत हैं, हम सब ने आज एक मंच पे एकत्रित होकर सरकार से ये मांग की है, जिला चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से सरकार को ये संदेश पहुंचाया है कि जितने भी राजस्थान के अंदर जितने भी सुविधा कर्मचारी रखे जा रहे हैं, यह परंपरा सदा के लिए बंद की जाए। क्योंकि अगर जब तक ये समस्या चलती रहेगी, सुविधा पे कार्यरत होगा तो कर्मचारियों का शोषण अधिक होता है, जैसा कि राजकीय जिला चिकित्सालय में भी है। यहाँ 3 एनजीओ के थ्रू काम कर रहे हैं कर्मचारी और तीनों की है जो सैलरी है अलग अलग कटी जा रही है। किसी के 12% काट रहे हैं, किसी के 5% काट रहे हैं और कोई एनजीओ ऐसे है जो मात्र 100 रुपये प्रत्येक कैंडिडेट के ले रहे हैं, तो यह नियम के विरुद्ध है। एक ये बेरोजगारी और ये महंगाई, ऊपर से हमारी ये जो शारीरिक शोषण हो रहा है, मानसिक हमें परेशानियाँ हो रही है। बार संघ हनुमानगढ़ के पदाधिकारी अध्यक्ष मनेश सिंह तंवर के नेतृत्व में जिला कलेक्टर से मिले। प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर पीसी किशन से कलेक्ट्रेट परिसर स्थित ज्ञानोद्यान पार्क की हालत में सुधार करने की मांग की। कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित ज्ञानोद्यान पार्क का निर्माण करीब 4 वर्ष पूर्व हुआ था। पार्क में जिले के ऐतिहासिक व पौराणिक वस्तुओं के मॉडल बहुत ही आकर्षक ढंग से बनाए गए थे, लेकिन पार्क की देखरेख समय पर न होने से यहाँ बने कुछ मॉडल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिनमें सर्वधर्म का प्रतीक गोगामेड़ी मंदिर का मॉडल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। बारसंघ के प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर पार्क की दशा सुधारने की मांग की है। कलेक्टर परिसर के अंदर ज्ञानोद्यान पार्क के संबंध में मिले, जिसमें मुग्धा सिन्हा के टाइम में इस पार्क का निर्माण हुआ था, जिसमें गोगामेड़ी का भी निर्माण करवाया गया था। और गोगामेड़ी जो कि सभी धर्मों की आस्था का स्थल है, वो तूफान और बरसात के कारण वो टूट गई है और एक साल हो गया, उस पर कोई देख रेख नहीं है। उसका संबंध में जो है कलेक्टर साहब से मिले और उसके अंदर उनको इस बारे में सुधार करने के लिए कहा। गोगामेड़ी का जो रूप स्वरूप का मंदिर बनाया हुआ है, तो पिछले कलेक्टर साहब के टाइम में बनाया हुआ था, वो अगर थोड़ा सा अगर अपने प्रशासन उसके तो ध्यान दे देता है तो उसको उसका स्वरूप सुधर सकता है और हमारी जो हिंदुओं की धार्मिक आस्था है, सभी धर्मों की जो आस्था है उसमें वो बनी रहेगी। जंक्शन स्थित बारसंघ कार्यालय में आज प्रवचन सभा का आयोजन हुआ। प्रवचन सभा में जन साधुओं ने अपनी वाणी से मनुष्य को सत्कर्म के मार्ग पर चलने का आह्वान किया। जैन श्वेतांबर तेरापंथ सभा द्वारा आज बारसंघ कार्यालय में प्रवचन सभा का आयोजन किया गया। सभा में जैन साध्वी कनक रेखा ने कहा कि आज का मनुष्य इतना स्वतंत्र हो गया कि वह ऐसा आचरण करने लगा है जिससे हमारे विकास की गति मंद हो जाती है और गलत तत्वों को हावी होने का अवसर मिल जाता है। जैन साध्वियों ने कहा कि हम सबको इस पर चिंतन करना चाहिए कि इस पर कैसे अंकुश लगाया जा सके, वरना हमारे समाज की व्यवस्था ही छिन्न भिन्न हो जाएगी। प्रवचन सभा में बारसंघ के पदाधिकारी व समस्त अधिवक्तागण उपस्थित थे। आज का व्यक्ति इतना स्वतंत्र बन गया है कि वह ऐसी हरकतें करता है, गलत कार्य करता है, जिससे समाज विकास की गति मंद हो जाती है और गलत तत्वों को हावी होने का अवसर प्राप्त हो जाता है। तो हमें चिंतन करना है कि किस तरह इस पर अंकुश लगाया जा सकता है। टाउन स्थित लालगढ़िया डेंटल केयर सेंटर पर आज निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर लगाया गया। शिविर में डॉक्टर विकास गुप्ता ने आए हुए मरीजों के दांतों की जांच कर परामर्श दिया। लालगढ़िया डेंटल केयर सेंटर का स्थापना दिवस मनाया गया।
इस अवसर पर पुलिस लाइन में निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर लगाया गया। शिविर में पुलिस कर्मियों के दांतों की निःशुल्क जांच की गई व डॉक्टर विकास गुप्ता ने उचित परामर्श देकर दवाइयों का भी वितरण किया। इस अवसर पर डॉक्टर गुप्ता ने दांतों को शरीर का महत्वपूर्ण अंग बताते हुए कहा कि अगर दांतों की सही देखभाल न की जाए तो दांतों में कई तरह की बीमारियां पैदा होने का खतरा बना रहता है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।